ठीक है, इसके बाद हेडिंग को चेंज करके लिखेंगे ब्रिक मेसनरी। हेडिंग को चेंज करके लिखते हैं ब्रिक मेसनरी। अब यहां जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी छोड़ने लायक नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए टू जेड सारी बात इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी, टिल एंड, जब तक इस चैप्टर का एंड नहीं हो जाता, जब तक इस चैप्टर का एंड नहीं हो जाता तब तक जितनी बातें मैं बताऊंगा अभी से लेकर वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मेसनरी क्या है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिए मेसनरी, सब हेडिंग मार के लिख दो मेसनरी, ये मेसनरी क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूं बोल के। मेसनरी मे डिफाइंड एज द ऑब्जेक्टिव, सवाल यहां से आएगा नहीं, जब आप लोग मेंस दोगे किसी भी एग्जाम का उसके अंदर लिखवाने के लिए आता है ये सवाल, तो याद रहे आपको, इसलिए कंटेंट वाइज आपको कवर करवा देता हूं, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन बताने का कोई साइंस नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि मेसनरी क्या होती है, आप नहीं बताओगे कि डेफिनेट अरेंजमेंट के अंदर ब्रिक्स को अगर सेट कर दिया जाए, किसी पैटर्न के अंदर ब्रिक्स को सेट कर दिया जाए और इसके अंदर आप मोर्टार यूज कर रहे हो, ये क्या बन गया आपका ब्रिक मेसनरी वर्क बन गया। अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, लेकिन पेपर के अंदर अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे, इसलिए हमारे पास एक थ्योरेटिकल डेटा होना चाहिए। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेसनरी में डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मेसनरी में डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मेसनरी में डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स बॉन्डेड, बॉन्डेड ये टुगेदर है, बॉन्डेड टुगेदर विद मोर्टार, ये टुगेदर है, टुगेदर विद मोर्टार, टुगेदर विद मोर्टार। तो मोर्टार का यूज तो होगा ही होगा, अगर मोर्टार आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप ब्रिक मेसनरी नहीं कह सकते, वो केवल क्या होंगी सिर्फ ब्रिक्स। ब्रिक वर्क अगर कह रहे हो, ब्रिक मेसनरी अगर कह रहे हो तो आपको मोर्टार ऐड करना पड़ेगा। इस बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, खाली ब्रिक की डेंसिटी कितनी बताई है मैंने, 1800 से लेकर 1920 केजी पर मीटर क्यूब, और ब्रिक वर्क की कितनी बताई है, तो वजन बढ़ गया है हमारा। तो ये वजन क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने मोर्टार को ऐड किया है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस द बिल्डिंग यूनिट्स मे बी, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस द बिल्डिंग यूनिट्स मे बी स्टोन्स, द बिल्डिंग यूनिट मे बी स्टोन्स कॉमा ब्रिक, द बिल्डिंग यूनिट, द बिल्डिंग यूनिट्स मे बी स्टोन कॉमा ब्रिक्स, ब्रिक्स और प्रिकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक, और प्रिकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, और प्रिकास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये पूरा मत लिख देना, मैं अपने हिसाब से शॉर्ट में लिखवा दूंगा। मेसनरी हैव टू टाइप्स, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेसनरी हैव टू टाइप्स, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस था हमारा मेसनरी हैव टू टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं, ब्रिक मेसनरी होती है और एक स्टोन मेसनरी होती है, एक और होती है आप लोग बताओ दिमाग लगा के, एक और होती है कंपोजिट मेसनरी, कंपोजिट मेसनरी। तो कंपोजिट मेसनरी क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर ब्रिक प्लस स्टोन दोनों काम में लिए जाएं। कंपोजिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आपने एक से ज्यादा मटेरियल को एक साथ काम में लिया है, कंपोजिट मेटल भी हो सकती है, कंपोजिट मेसनरी भी हो सकती है, याद रखना। तो कंपोजिट मेटल का काम कहां पर आएगा, सोम के अंदर आएगा, आप वहां पर स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी को मेंटेन कराओगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे सर आपसे। उसी तरीके से यहां पर कंपोजिट मेसनरी की अगर मैं बात करूं तो स्टोन और ब्रिक अगर दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ काम में लिया जाए तो ये मेसनरी हमारी क्या बन जाएगी, कंपोजिट मेसनरी। तो लिख देना तीसरा भी करके कंपोजिट मेसनरी, क्या पता आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर सवाल मिल जाए, वहां पर ध्यान नहीं आएगा, नहीं तो लिख दो तीसरा भी करके कंपोजिट मेसनरी, जिसके अंदर लिख देना ब्रिक प्लस स्टोन, जिसके अंदर लिख देना आप ब्रिक प्लस स्टोन। टाइप अगर पूछ ले दो ही बताने हैं, स्टोन और ब्रिक, अलग से टाइप नहीं पूछता, इनके अंदर की बात पूछी जाती है,
इनके अंदर की बात पूछी जाती है, ठीक है। सो हमारे पास हो गई है कंपोजिट मेसनरी, ब्रिक प्लस स्टोन। अब अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कह रहा है हम लोगों से कि इस चैप्टर के अंदर हम केवल ब्रिक मेसनरी के पोर्शन को ही कवर करेंगे, याद रही ये बात। इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल किसको कवर करने वाले हैं हम लोग, ब्रिक मेसनरी को कवर करने वाले हैं। तो लिख दो जरा पॉइंट, पॉइंट लिख दीजिए, हेयर वी कवर ओनली ब्रिक मेसनरी, हेयर वी कवर ओनली ब्रिक मेसनरी, हेयर वी कवर ओनली ब्रिक मेसनरी। चलें दोबारा, चलो इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए, सम बेसिक टर्म्स। तो मेसनरी के अंदर कुछ चार पांच बेसिक टर्म हैं जिनके बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। आजकल यहां से भी सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कंटेंट में कवर किया है। सो सम बेसिक टर्म्स, एक एक करके इनके बारे में और लिख लेंगे। सबसे पहला हमारे पास है एरिस। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास एरिस। अब ये एरिस क्या है, जो ब्रिक के कोने होते हैं ना, कोने, दो ईंटों को अगर आप एक दूसरे से सटा के रख दो किसी एंगल पर तिरछा करके ऐसे, देखो यार प्रैक्टिकली इस बात को मैं समझा भी देता हूं। ये दो रिमोट है मेरे पास, ये जो रिमोट है अगर इनको किसी एंगल पर मैं सटा के रख दूं कॉर्नर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए, तो एक ही बार में कितने प्लेन एक दूसरे से मिल रहे हैं, दो प्लेन एक दूसरे से आके मिल रहे हैं, एक तो ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। जब ये दो प्लेन एक दूसरे से आके मिल रहे हैं तो इस समय ये जो आपका एंगल बना है, ये नुकीला पोर्शन जो बना है, ट्रायंगुलर पोर्शन जो बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। लिखिए इसकी डेफिनेशन, द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर कॉल्ड एरिसेस and free from damage। ये डैमेज से भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बेड, बीईडी बेड। अब ये बेड क्या चीज होती है, ये बेड क्या चीज होती है, और इंपॉर्टेंट लगाना, चार पांच बार ये सवाल आ चुका है कि नेचुरल बेड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आपकी किताबों के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहीं के यहीं समझ के खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट लगा देना बेड। अब ये बेड क्या चीज है, देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सरफेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर। क्या कह रहा है ये, कि सरफेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर। प्रैक्टिकली इस बात को समझाते हैं, जब क्वेरिंग प्रोसेस होती है तो क्वेरिंग प्रोसेस के अंदर से आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, स्टोन। क्वेरिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हो आप लोग, बड़े बड़े रॉक मास को छोटे छोटे स्टोन के अंदर तोड़ा जाता है। अब प्रोसेस क्या होती है वो स्टोन वाले चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे, किस प्रोसेस के तहत पत्थरों को निकाला जाता है, रॉक्स को तोड़ा जाता है, ये एक अलग डिस्कशन पॉइंट है हमारा, जिसको अपन स्टोन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए केवल और केवल इतना याद रखिए, क्वेरिंग प्रोसेस से रॉक के थ्रू हमको क्या मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं। तो जो स्टोन हमको मिलेंगे इनका शेप कैसा होगा, रेगुलर या इरेगुलर, इरेगुलर होगा, क्योंकि ड्रेसिंग अभी तक नहीं करी है। अब ये ड्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है, ड्रेसिंग हम लोग भी करते हैं,
भाई हम लोग भी ड्रेसिंग करते हैं कि नहीं करते, क्यों करते हैं? अच्छे दिखें जिससे। तो उसी तरीके से स्टोन की भी क्या की जाती है? ड्रेसिंग की जाती है, उसको एक डेफिनेट साइज और शेप प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेट साइज और शेप जो प्रोवाइड कर रहे हो स्टोन के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेसिंग कहते हैं। तो अभी तक ड्रेसिंग नहीं करी है, तो जैसे ही आपने इस स्टोन को निकाला रॉक में से, तो इसके अंदर बहुत सारे प्लेन मिलेंगे आपको, इस तरीके से परतें मिलती हैं, परतें, परतों का मतलब होता है लेयर्स, और लेयर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? प्लेन। ऐसे प्लेन मिलते हैं आपको। तो खुद सोच के बताओ इस स्टोन को आप दीवार में कैसे लगाओगे? प्रेशर आ रहा है ऊपर की तरफ से, ये पी, कैसे लगाओगे आप? सीधा खड़ा करके लगाओगे या फिर आड़ा करके लगाओगे? ऐसे बताइए, 90 डिग्री एंगल पे लगाओगे या 0 डिग्री पे? 0 डिग्री पर। अगर आपने इस तरीके से स्टोन को प्लेस कर दिया, तो ये जो प्लेन है ना, प्लेन, यहीं से आपका शियर फिलर हो जाएगा, स्टोन दो पार्ट में टूट के अलग हो जाएगा। यस और नो? इसलिए हमेशा कैसा लगाना है इसको? परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रेशर। अब आया पॉइंट समझ में? यानी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रेशर जो प्लेन आपको मिलेगा, इसी को क्या कहा जाता है? नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। ना केवल स्टोन, दुनिया में जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं जिनके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं, लाइन ऑफ प्रेशर के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिलेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल बेड कहते हैं। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको नोट करते हैं हम लोग। लिखिए बेड, इट इज द सरफेस ऑफ स्टोन, इट इज द सरफेस ऑफ स्टोन, इट इज द सरफेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रेशर, इट इज द सरफेस ऑफ स्टोन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रेशर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इट इंडिकेट्स, फुल स्टॉप, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक और स्टोन, इट इंडिकेट्स द लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इन ईच कोर्स, द लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्स, इन ईच कोर्स, इन ईच कोर्स। अगले पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लिखिए, अगले पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लिखिए, दिस नेचुरल बेड, अगले पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लिखिए, दिस नेचुरल बेड ऑलवेज बी, दिस नेचुरल बेड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रेशर, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ प्रेशर, अदरवाइज, अदरवाइज शीयर फेलियर मे बी टेक प्लेस, शीयर फेलियर मे बी टेक प्लेस, मे बी टेक प्लेस, मे बी टेक प्लेस। नोट करो डायग्राम, नोट करो डायग्राम इसका। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब तक कम से कम 4-5 बार ये आ चुका है पेपर में, और बैक डेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं, जो रिपीटेड सवाल होते हैं, उन्हीं में से आते हैं, और पेपर के अंदर 70% क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं। जो नए 30% क्वेश्चन बनते हैं वो असल में नए नहीं होते हैं, वो पुराने क्वेश्चनों की लैंग्वेज को घुमाकर नए क्वेश्चनों में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि 10% सवाल आपके नए बनते हैं परीक्षा में, वो बनाने जरूरी भी हैं, नहीं बनाएंगे तो कट ऑफ जाएगी 100 में से 100। तो कट ऑफ को नीचे लाने के लिए 10 क्वेश्चन वो बिल्कुल ही अलग निकाल कर देते हैं, वो तो बिल्कुल ही पाताल लोक तक के अंदर की बात होती है,
वो किसी को भी नहीं पता होती। हाँ सही है, लेकिन जो 90 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं आंख कान नाक खोल के, तो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग लगा के आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है राजस्थान में। ऊपर करूं थोड़ा सा, ये लो भाई, राइट मेथड ऑफ प्लेसिंग और ये होता है हमारे पास रॉन्ग मेथड ऑफ प्लेसिंग। शेयर फेलियर आपको इस वाले मेथड के अंदर देखने को मिलेगा। राइट मेथड हमारा वो रहा और जो रॉन्ग मेथड है वो हमारा ये रहा। कर दूं नीचे, ठीक है, तो कर दिया नीचे। अब लिखिए बेड जॉइंट, अगली टर्म हमारे पास बेड जॉइंट, अगली टर्म हमारे पास बेड जॉइंट, बीईडी, अगली टर्म हमारे पास बेड जॉइंट। ये बेड जॉइंट क्या होता है, लिखिए, इफ द जॉइंट इज पैरेलल, प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी इस बात को मैं, इफ द जॉइंट इज पैरेलल टू द बेड ऑफ ब्रिक्स, इफ द जॉइंट इज पैरेलल टू द बेड ऑफ ब्रिक्स, टू द बेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन, टू द बेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इन अ कोर्स, इन अ कोर्स, इन अ कोर्स, देन इट इज टर्म्ड एज, देन इट इज टर्म्ड एज बेड जॉइंट, देन इट इज टर्म्ड एज बेड जॉइंट। देखो एक चीज पर ध्यान लगाना, पैरेलल टू द बेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन, प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं विद डायग्राम। मैसनरी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, अपने ब्रिक्स को जॉइंट कर रखा है इस तरीके से, ये लो एक, दूसरा ये रहा, ये तीसरी लेयर रही। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए, ये रफ डायग्राम मैं बना दे रहा हूं समझाने के लिए। तो अब बेड जॉइंट को मुझे यहां पर दिखाना है, बता सकते हो बेड जॉइंट कहां पर होगा, पैरेलल टू द बेड, पैरेलल टू द बेड। तो ये बेड क्या होता है, बेड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ना, इसके पैरेलल जॉइंट कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला, दो ब्रिक की लेयर के बीच में, दो ब्रिक की लेयर के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपको जॉइंट दिख रहा है, इस जॉइंट को क्या कहा जाता है, बेड जॉइंट कहा जाता है। चाहो तो डायग्राम बना के इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो, इसी को हम लोग कहते हैं बेड जॉइंट। सो दिस इज टर्म्ड एज बेड जॉइंट, इसी को कहा जाता है बेड जॉइंट, इसी को कहते हैं। बिटवीन कोर्स और इन कोर्स, इसके बीच में डिफरेंस बताओ पहले मेरे को, है कोई डिफरेंस इन कोर्स और बिटवीन कोर्स? यहां इस बात का मतलब क्या होता है, समझो भाई दोबारा, हमने लिखा है इन अ कोर्स, कोर्स का मतलब क्या होता है, डबल लेयर ऑफ ब्रिक, कोर्स का मतलब क्या होता है, डबल लेयर ऑफ ब्रिक। जो तुम कह रहे हो कि पूरे कोर्स के अंदर आपका वर्टिकल भी आ जाएगा, ये तो कह रहे हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आएंगे, ये कहना चाह रहे हो पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है ठीक है, वो तो क्रॉस जॉइंट हो गया वर्टिकल वाला, ठीक है, जो अंदर जा रहा है वॉल के, ठीक है, हाँ वही है, हाँ वही है बेड जॉइंट हमारा, हाँ तो सही तो लिखा है, गलत क्या है इसमें, दोनों चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, इन अ कोर्स या बिटवीन द कोर्स, सही बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है दोनों। सो इसके बाद लिखते हैं हम लोग, यहां तक की तो बात हो गई हमारी पूरी, इसके बाद लिखते हैं परपेंड, अगली हेडिंग हमारे पास परपेंड, पीई आर पीई एन डी एस, परपेंड्स, परपेंड्स, अगला हमारे पास परपेंड। इस परपेंड को भी अपन विद डायग्राम समझते हैं एक बार, उसके बाद जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर, ये परपेंड क्या चीज होती है। देखो यार, जब ब्रिक मैसनरी की जाती है तो एक वॉल का डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, अब कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा कौन सा बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ये अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है,
हमको सिर्फ समझना है परपेंट के बारे में। तो जो ऊपर का कोर्स होगा, इस कोर्स के अंदर मान लो मैंने क्या लगा दिए, इस परपेंट को समझते हैं। परपेंट के बारे में बता रहा था कि इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर एक वॉल के डायग्राम को, एक दीवार के डायग्राम को हम लोग देखते हैं जिसके अंदर ब्रिक्स को मैंने एक डेफिनेट अरेंजमेंट के अंदर फिक्स किया है, दैट इज बॉन्ड के अंदर फिक्स किया है। बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है हमारे पास, मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉन्ड आपको यहां पर दिखाया है, अभी नाम बताऊंगा नहीं कौन सा बॉन्ड है ये। तो एक कोर्स के अंदर केवल हेडर, दूसरे में हमारे पास स्ट्रेचर, फिर हमारे पास स्ट्रेचर, लास्ट में स्ट्रेचर, फिर हेडर, ये भी हेडर और हेडर, इसी तरीके से स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, लास्ट में स्ट्रेचर। अब दो बात अपने को देखने को मिल रही है यहां पे, कौन कौन सी? एक तो बात आप देख रहे हो कि ये जो वर्टिकल जॉइंट है, इसको सेम लाइन में आने से मैंने रोका है, इस वर्टिकल जॉइंट को मैंने सेम लाइन में आने से रोका है। अब सेम लाइन में आने से रोकने के लिए हम यहां पर ब्रिक का एक छोटा टुकड़ा यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्विन क्लोजर। उस क्विन क्लोजर को अभी तक मैंने डायग्राम के अंदर शो नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको बॉन्ड नहीं समझा रहा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, परपेंड समझा रहा हूं। तो कंफ्यूज मत होना, यह हमको भी पता है कि स्ट्रेचर के बराबर कितना होता है, डबल हेडर। अरे हाँ, है ना, स्ट्रेचर के बराबर कितनी हेडर होती है, डबल हेडर होती है। तो ये हेडर स्ट्रेचर से आगे कैसे निकल गई, ये आगे इसलिए निकली है क्योंकि बीच जॉइंट में आपने क्या लगा रखा होता है, क्विन क्लोजर। ये क्विन क्लोजर अगर आपने नहीं लगाई तो हेडर कितने का होता है, 9 का होता है, 9 और 9 कितना हो गया, 18, 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ मोर्टार, तो किसके बराबर हो गया ये, 19 के बराबर। तो स्ट्रेचर की लेंथ कितनी होती है, 19, ये मैच कर जाता है एकदम। तो क्विन क्लोजर जैसे ही आप फंसाओगे दो हेडर के बीच में, ये अगली हेडर क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है किसके साथ, स्ट्रेचर के साथ। तो इस वर्टिकल जॉइंट को सेम लाइन में आने से रोकना पड़ेगा, क्यों रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोका तो फेलियर प्लेन हमारा यही होगा कि शेयर के अंदर लेटरल लोडिंग में हमारी बॉल आगे पीछे हो जाएगी इस तरीके से, यस और नो, इसी तरीके से फेलियर होगा हमारा। तो इससे बचने के लिए इस वर्टिकल जॉइंट को सेम लाइन में आने से रोका जाता है, एक बात। दूसरी बात की परपेंड किसको कहते हैं, देखो यार ये जो वर्टिकल जॉइंट आ रहा है ना आपका ऑल्टरनेट कोर्स में, पहले तो यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आएगा, उसके बाद उसके अगले वाले कोर्स के अंदर आएगा। अगर इस लाइन को बाहर निकाला जाए तो एक डैश लाइन आ जाएगी मेरे पास, कैसी लाइन आ जाएगी, डैश लाइन, इस तरीके से। इस लाइन को क्या कहा जाता है, परपेंड कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। सो डेफिनेशन क्या कह रही है कि द वर्टिकल जॉइंट सेपरेटिंग द ब्रिक्स इन आइदर लेंथ और क्रॉस डायरेक्शन इन ऑल्टरनेट कोर्सेज आर नोन एज परपेंड। क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट कोर्सेस के अंदर, किसके अंदर, ऑल्टरनेट कोर्सेस के अंदर। बताओ भाई जो समझाया क्या वही लिखा हुआ है क्या, यस और नो, लिखिए, शुरू करते हैं। द वर्टिकल जॉइंट्स सेपरेटिंग the vertical joints separating the bricks in either length or cross direction in alternate courses are known as perpend, इनको perpend कहा जाता है, are known as perpend। ये बात भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बॉन्ड, BOND, और ये मैसनरी वाला बॉन्ड है, ये मैसनरी वाला बॉन्ड है, याद रखिएगा। चार टाइप के बॉन्ड हमको पढ़ने हैं। सो अगली हेडिंग हमारे पास बॉन्ड। हां भाई, बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हो, इस बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हो,
007। ये क्या होता है? कौन कह रहा है भाई ये क्या होता है? बॉन्ड का मतलब 007। कोई कह रहा है ये क्या होता है? कौन था ये? ये वो वाला बॉन्ड नहीं है। सो बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हो? मेसनरी के अंदर बॉन्ड बनाया जाता है, इसके बारे में क्या जानते हो आप? किसी ने पूछ लिया, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बॉन्ड का मतलब बताइए आप, क्या बताओगे आप मेसनरी में बॉन्ड का मतलब? ये तो एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर वर्ड को हमने क्या कर रखा है? सेट कर रखा है। बहुत टफ है ये। अगर ये डेफिनेशन बताने बैठे तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर क्या बताओगे आप? जो बिल्डिंग यूनिट है, सबसे पहली बात, जो बिल्डिंग यूनिट है उनको एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर सेट करना, जो बिल्डिंग यूनिट है उनको एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर सेट करना, और सेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर या जो शेप बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। ये रही तुम्हारे सामने दीवार। बताओ भाई इस दीवार के अंदर कोई इररेगुलरिटी है क्या? हाँ, कोई अंडुलेशन है क्या कि बाहर कोई कर्व सरफेस निकली है फिर अंदर की तरफ डिप्रेशन बना हुआ? नहीं, एकदम कैसी है? प्लेन स्मूथ है ये। यस और नो? ये प्लेन और स्मूथ क्यों बनाई गई है? क्यों बनाई गई है प्लेन और स्मूथ? अपीयरेंस अच्छा मिले, इसकी एस्थेटिकल वैल्यू निकल कर आए। तो इस अपीयरेंस को बढ़िया करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपने ब्रिक्स को एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर सेट किया है, एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर सेट किया है। अरे हाँ, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। कितने टाइप के होंगे? मोर देन 15 है ये, 15 से ऊपर होते हैं। बट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस का पार्ट कितने बॉन्ड है? 4। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इस फ्लेमिश बॉन्ड को भी हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर ब्रेक कर रखा है। कौन कौन सा? यह सवाल आता भी है पेपर के अंदर। एक तो होता है सिंगल फ्लेमिश और एक होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? सिंगल फ्लेमिश में फ्रंट और बैक सेम रहती है, यस सर नो? और डबल के अंदर क्या होता है? एक साइड से फ्लेमिश बॉन्ड होता है और एक साइड से इंग्लिश बॉन्ड होता है। ये डिफरेंस है बस, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत आगे की बात है ये, अभी बहुत आगे की बात है। तो पहले इसके डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स। लिखना शुरू करेंगे इसके अंदर, लिखना शुरू करेंगे कि बॉन्ड इज द, लिखना शुरू करते हैं, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्सेस, बॉन्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इन ईच कोर्सेस, इन ईच कोर्सेस सो एज टू इंश्योर, सो एज टू इंश्योर, सो एज टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरलॉकिंग, सो एज टू इंश्योर, सो एज टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरलॉकिंग, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरलॉकिंग, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटरलॉकिंग एंड टू अवॉइड द कंटिन्यूटी ऑफ, एंड टू अवॉइड द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स, एंड टू अवॉइड द कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन टू सक्सेसिव कोर्सेज बोथ ऑन द फेस एंड इन द बॉडी ऑफ अ वॉल, बोथ ऑन द फेस एंड इन द बॉडी ऑफ अ बॉल, ऑफ अ वॉल, ऑफ अ वॉल। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोर्स, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोर्स, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस कोर्स। अब ये कोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को भी लिखते हैं। ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स, ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स,
each horizontal layers of brick laid in mortar, each horizontal layer of bricks laid in mortar, laid in mortar in a brick work, in a brick work, in a brick work is called a course, is called a course. इसको कहते हैं हम लोग course. सिंगल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोर्स. ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है? कोर्स बोला जाता है. नेक्स्ट, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जॉइंट. अब कोई पूछ ले जॉइंट क्या चीज है, क्या बताओगे आप जॉइंट के बारे में? जॉइंट क्या चीज है, क्या बताओगे आप? दो ईंटों को जोड़ा जाए, यस और नो? इसे क्या कहेंगे हम लोग? जॉइंट. यहां पर क्या लिखा हुआ है? जंक्शन ऑफ मेसनरी यूनिट्स. मेसनरी यूनिट का मतलब क्या होता है? ब्रिक या फिर स्टोन. दो ईंटों को आप जोड़ रहे हो या दो स्टोन्स को आप आपस में जोड़ रहे हो, तो जहां जोड़ा गया है उस जोड़ने वाली सरफेस पर क्या बन जाता है? जॉइंट बन जाता है. लिख दीजिए जॉइंट का डेफिनेशन, जंक्शन ऑफ मेसनरी यूनिट्स. इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, जंक्शन ऑफ मेसनरी यूनिट्स. अब लिखो बेड जॉइंट. इसके बारे में लिख लिया है क्या हमने? बेड जॉइंट लिख लिया है. लिखिए क्रॉस या फिर वर्टिकल जॉइंट. क्रॉस या फिर वर्टिकल जॉइंट, एक ही बात होती है ये. क्रॉस या फिर वर्टिकल जॉइंट लिख देना. जॉइंट परपेंडिकुलर टू फेस ऑफ द वॉल. जॉइंट परपेंडिकुलर टू फेस ऑफ द वॉल. तो वॉल के फेस के परपेंडिकुलर जो जॉइंट होगा उसको हम क्रॉस या फिर वर्टिकल जॉइंट बोल देंगे. उसको हम क्रॉस या फिर वर्टिकल जॉइंट बोल देंगे. इन जॉइंटों में से एक सवाल टपकेगा आपके पेपर के अंदर, याद रखना भाई, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं ये. तो इनको जब भी पढ़ो ढंग से पढ़ना एकदम, कहां डेफिनेशन किधर आ रही है. फिर लिखिए इसके बाद वॉल जॉइंट. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस वॉल जॉइंट. वॉल जॉइंट दीवार का जॉइंट. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस वॉल जॉइंट. लिखना इसमें जॉइंट पैरेलल टू फेस ऑफ द वॉल. लिखना इसमें जॉइंट पैरेलल टू फेस ऑफ द वॉल. जॉइंट पैरेलल टू फेस ऑफ द वॉल. तो वॉल फेस के पैरेलल जो जॉइंट होगा उसे हम कहते हैं वॉल जॉइंट. अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस हर्टिंग. एच ई ए आर टी आई एन जी हर्टिंग. हर्टिंग लिखना. इनर पोर्शन ऑफ वॉल. ये हर्टिंग के बारे में कल मैंने बताया आपको. द इनर पोर्शन ऑफ वॉल, द इनर पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग. बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग. द इनर पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग. तो फेस और बैक के बीच का जो इनर पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? हर्टिंग कहते हैं. हर्टिंग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? ये अगला ऑब्जेक्टिव का सवाल है, चार पांच बार ये आ भी रखा है. हर्टिंग करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? किसको काम में लेते हैं? ना ना वो चीज नहीं. हर्टिंग करने के लिए किसको काम में लेते हैं? ये हर्टिंग हमेशा क्विन क्लोजर और हेडर से ही होगी. सेकेंड क्लास ब्रिक इसके अंदर आएगा. सेकेंड क्लास ब्रिक से क्या बनानी है आपको? क्विन क्लोजर और हेडर शेप. तो हेडर और क्विन क्लोजर वो भी किसकी? सेकेंड क्लास ब्रिक की. किसके लिए काम आती है? हर्टिंग के लिए काम आती है. अभी आगे चल के लिखवाऊंगा मैं, अभी मत लिखना इसको, आगे चल के इस बात को मैं लिखवा दूंगा. एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. फिर लिखिए आप थ्रू स्टोन. अगली हेडिंग लिखो थ्रू स्टोन. थ्रू स्टोन ये उतार दिया था आपने, हर्टिंग वाला लिख दिया था आपने. इसके बाद लिखो थ्रू स्टोन. अब ये थ्रू स्टोन क्या होता है इसको समझते हैं. थ्रू स्टोन मान लो आपकी दीवार का फेस है ये वाला. फेस मतलब क्या होता है? जहां से मैं सामने से किसी भी चीज को देख रहा हूं. ये आपकी वॉल का फेस है. अब दीवार की मोटाई रह गई कम, जो दीवार की थिकनेस है वो क्या रह गई है? कम. ये रहा आपका स्टोन.
ये क्या है आपका स्टोन। इस फेस को मैं क्या कर रहा हूं, इस फेस को सामने लाके तुम्हारे सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हुआ इमेजिन, इस दीवार को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद तुम्हारी तरफ क्या कर दिया मैंने, इसको फेर दिया, इस दीवार को क्या कर दिया, इस तरीके से ले आया मैं। तो इस वॉल की थिकनेस कहां जा रही होगी, पीछे की तरफ। इस वॉल की थिकनेस कहां जा रही होगी, पीछे की तरफ। यहां पर कहां जा रही है, अंदर की तरफ, यस और नो। इसकी थिकनेस क्या रह गई है, कम रह गई है। अब इसकी थिकनेस कम रह गई है तो हमारे पास ये जो स्टोन है, इस स्टोन का ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये किसके बराबर आ गया, वॉल की थिकनेस के बराबर आ गया। तो ऐसे स्टोन को क्या कहा जाएगा, थ्रो स्टोन कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको अपन, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ऐसा स्टोन जिसकी थिकनेस थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रू स्टोन। जैसे मर्जी चाहो वैसे समझ लो, आप पहले तरीके समझना चाहो वैसे समझ लो, जो सेकंड तरीका है उससे समझ लो, मीनिंग सेम ही निकल कर आएगा। ऐसा स्टोन जिसकी थिकनेस किसके बराबर है, थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर है। तो लिखिए इसके अंदर, थ्रू स्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन, जैसे मैं लिखवा रहा हूं बिल्कुल वैसे लिखिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर, थ्रू स्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन, थ्रू स्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन इन विच, थ्रू स्टोन इज अ टाइप ऑफ स्टोन इन विच थिकनेस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, इन विच थिकनेस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, थिकनेस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल। बस दोनों की थिकनेस सेम हो जानी है। नेक्स्ट है रैकिंग बैक, ये कोई पूछ भी रहा था मुझसे आज, रैकिंग बैक, आर ए सी के आई एन जी, रैकिंग बैक। अगला है रैकिंग बैक, पीछे कर दूं, रैकिंग बैक। अब देखो दो चीजें हमारे पास, एक तो होती है रैकिंग बैक और एक होती है टूथिंग, दो शब्द हमारे पास और दोनों स्लाइड के अंदर मेंशन किए गए हैं। एक तो होती है रैकिंग बैक और एक क्या होती है हमारे पास, टूथिंग। रैकिंग बैक का मतलब क्या होता है, स्टेप्ड फैशन के अंदर आपने दीवार को बनाया है, प्लस उस दीवार के अंदर जो हमारे क्रॉस ज्वाइंट हैं, उन क्रॉस ज्वाइंटों के अंदर आपने क्या किया है, मोर्टार को भरा है। तो इस ऑपरेशन को भी क्या कहते हैं हम लोग, रैकिंग बैक पोर्शन। अब डिफरेंस क्या निकल कर आता है रैकिंग बैक में और हमारी टूथिंग में, शिफ्ट कर दूं, दो शब्द हमारे पास, एक तो है रैकिंग बैक और दूसरा क्या है, टूथिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डायग्राम से पता लगेगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा दीवार को, जैसे हमारी सीढ़ियां उतरती हैं ना, सीढ़ियां उतरती हैं इस तरीके से आपने दीवार को देखा होगा। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, फुल विड्थ ऑफ वॉल को नहीं बनाते, फुल विड्थ ऑफ वॉल को नहीं बनाते, हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टेप्ड फैशन में दीवार को छोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से स्टेप्ड फैशन के अंदर वॉल को खुला छोड़ दिया जाता है। ये देखा है कि नहीं देखा आपने, देखा होगा आपने कई बार। क्यों करते हैं ऐसा अपन, क्यों करते हैं अपन ऐसा, जब अचानक से आगे चलकर हमारे वॉल की थिकनेस चेंज कर जाए, क्या चेंज कर जाए, थिकनेस चेंज कर जाए या फिर लेंथ चेंज कर जाए, तो उस केस में आपको हाफ पोर्शन इस स्टेप्ड वे में छोड़ना होता है, जिससे आप शेप और साइज के अंदर क्या कर सको, कुछ चेंज कर सको, काम को बीच में रोक दिया जाता है इस तरीके से। कभी भी आप इस तरीके से दीवार को एंड नहीं पाओगे कि ऐसे छोड़ दिया हो नया काम करने के लिए। अगर आपको नया काम करना है तो वॉल को हमेशा इस पैटर्न के अंदर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। एक चीज तो ये तो होता है रैकिंग बैक। तो टूथिंग क्या होता है, दोनों का पर्पस सेम है। अगर आपको दोबारा से काम करना है, बीच में काम बंद हो गया था, तो दोबारा से काम करने के लिए आपको इस फैशन के अंदर वॉल को छोड़ना पड़ेगा। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो रैकिंग बैक के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, सीढ़ियों जैसा होता है। तो टूथिंग के अंदर कैसा होता है, ये तो खुद बता दो, देखा भी होगा आपने। क्या करते हैं, एक ईंट बाहर होती है, एक ईंट अंदर होती है, फिर एक ईंट बाहर होती है, फिर एक ईंट अंदर होती है। इसे कहते हैं डोमेस्टिक मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक मेथड। जैसे एक कोर्स के अंदर तो ब्रिक आपने क्या कर दी, बाहर की तरफ लगा दी, सेकंड कोर्स में ब्रिक आपकी अंदर रह गई,
फिर उसके अगले कोर्स में ब्रेक बाहर आ गई, फिर दोबारा से ये क्या रह गई, अंदर की तरफ रह गई। बताओ भाई ऐसा ही कुछ बनता है हमारे पास ये? इसे क्या कहते हैं हम लोग? टूथिंग ऑफ ब्रिक्स। तो कोई पूछ ले आपसे रैकिंग बैक में और टूथिंग में क्या डिफरेंस है, बता दोगे? रैकिंग बैक में क्या होता है? सिड्डियां बनेंगी। और टूथिंग में क्या होता है? दांत बाहर निकलते हैं। इसका मतलब क्या? ईंटें बाहर की तरफ निकलती हैं। हंस क्या रहे हो? सही तो कह रहा हूं, सही बात है। चलो लिखो इसके अंदर, चलो भाई लिखते हैं इसके अंदर, टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन स्टेप्ड फैशन, ये इसका की वर्ड है, एज इट इज लिखा हुआ आएगा पेपर में। टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन स्टेप्ड फैशन, टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन स्टेप्ड फैशन। अगला लिख दो हैंड टू हैंड टूथिंग, फिर लिखेंगे बुल्लोस और एरिस को। टूथिंग दीज आर ब्रिक्स, टूथिंग के अंदर लिख दो दीज आर ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन, दीज आर ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन, दीज आर ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन, लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन ऑल्टरनेट कोर्सेज, दीज आर ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन ऑल्टरनेट, प्रोजेक्टिंग इन ऑल्टरनेट कोर्सेज फॉर द कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग इन फ्यूचर मेसनरी वर्क, इन फ्यूचर मेसनरी वर्क, इन फ्यूचर मेसनरी वर्क। तो फ्यूचर में मेसनरी वर्क करना है तो टूथिंग आपको दोबारा से करनी पड़ती है। अब लिखिए बुल नोस, इसका मतलब ये नहीं है सांड की नाक, बुल नोस, हालांकि मीनिंग इसका वही निकल कर आता है। चलो हम समझते हैं बुलनोस। अब ये बुलनोस क्या चीज होती है? देखिए, अगर हमारा घर बिल्कुल कॉर्नर साइड में है, रोड के बिल्कुल किनारे पर है ना, और आपने कॉर्नर कैसा बना दिया, एकदम शार्प बना दिया, जैसे देखो ये कॉलम है तुम्हारे पास, इस कॉलम के अंदर चार कॉर्नर है, 1, 2, 3 और 4, चारों कैसे हैं? शार्प हैं। घर तुम्हारा बिल्कुल किनारे पर है और तुम्हारा जो कोना बना हुआ है कैसा बना हुआ है, एकदम शार्प। मान लो कोई गाड़ी वाला आया ऐसे ही, उसका ध्यान नहीं होगा, उसने गाड़ी आपकी दीवार के अंदर ठोक दी, तो जो कोना है वो कोना झड़के अलग हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है। तो टक्कर वक्कर से आपकी डैमेज ना हो, वॉल आपकी डैमेज ना हो, कंस्ट्रक्शन आपका डैमेज ना हो, इसलिए जो कॉर्नर होते हैं उनको कैसा बनाया जाता है? राउंडेड बनाया जाता है, राउंडेड। तो कॉर्नर को राउंड बनाने के लिए किस टाइप की ब्रिक को काम में लिया जाता है? बुल्लोस ब्रिक को काम में लिया जाता है। देखो यार, ब्रिक हमारे पास दो टाइप की होती है, एक जिनका फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर ही तो है, और एक ब्रिक कैसी होंगी जिनका फेस कैसा होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड। तो जो राउंडेड फेस की ब्रिक होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? बुलनोस ब्रिक कहा जाता है। शार्प कॉर्नर को रिमूव करने के लिए इन ईंटों को काम में लेते हैं। लिखो पॉइंट, राउंडेड एज ब्रिक्स इज नोन एज, राउंडेड एज ब्रिक्स इज नोन एज, राउंडेड एज ब्रिक्स इज नोन एज बुलनोस ब्रिक, इज नोन एज बुलनोस ब्रिक, इज नोन एज बुलनोस ब्रिक। एंड दीज ब्रिक्स हेल्प इन रिमूविंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स। तो ये बात भी होती है कंप्लीट, शार्प कॉर्नर्स। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और हेडिंग लिखकर खाली छोड़ दीजिए आप, और 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं अभी। उतार लिया है। सबसे पहले हेडिंग लिखिए इंग्लिश बॉन्ड। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड।
अब देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। देखो एक ही चीज का डिफरेंस आएगा आपके इंग्लिश बॉन्ड में और फ्लेमिश बॉन्ड में। किस चीज का डिफरेंस आएगा? कि आपने कोर्स कैसा बनाया है, ये सिंगल लाइन आपने कैसी बनाई है। एक वर्ड का डिफरेंस है छोटा सा। जो वर्ड है आपका वो क्या है? ऑल्टरनेट। कौन सा वर्ड है आपका? ऑल्टरनेट। अगर आप ऑल्टरनेट कोर्स बनाते हो हेडर के और स्ट्रेचर के, अगर आप अल्टरनेट कोर्स बनाते हो हेडर के और स्ट्रेचर के, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए? फ्लेमिश बनेगा, इंग्लिश बनेगा, सामने ही तुम्हारे यार। अगर अल्टरनेट कोर्स बनाते हैं हेडर के और स्ट्रेचर के, यानी पहली लाइन किसकी बनाई है मैंने? हेडर की। दूसरी लाइन किसकी बनाई है मैंने? स्ट्रेचर की। फिर मैंने हेडर बनाया है, फिर मैंने स्ट्रेचर बनाया। अगर इस फैशन के अंदर बॉन्ड बनाया जा रहा है, इस बॉन्ड को क्या कह देंगे हम लोग? इंग्लिश बॉन्ड। सही बात है, सही बात है। गौर करना है किसके ऊपर? इस अल्टरनेट के ऊपर ही। तो अल्टरनेट कोर्स, तब तो क्या कहोगे आप? अल्टरनेट कोर्स, तब तो क्या कहोगे आप? इंग्लिश। अब यहीं पर कह दे कि एक सिंगल कोर्स में, एक सिंगल लाइन के अंदर, एक सिंगल कोर्स के अंदर या सिंगल लाइन के अंदर अल्टरनेटिवली हेडर और स्ट्रेचर को यूज किया गया है। हेडर और स्ट्रेचर को यूज किया गया, यानी हेडर लगाई, फिर स्ट्रेचर लगाई, फिर हेडर लगाई, फिर स्ट्रेचर लगाई, एक सिंगल कोर्स में अल्टरनेटिवली, क्या कहोगे इसको आप? फ्लेमिश बॉन्ड कहोगे। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है क्या? हेडिंग लिख दो इंग्लिश बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? इंग्लिश बॉन्ड। अच्छा ये कौन सा आ गया? स्ट्रेचर है हेडिंग वाइज। देखो सबसे पहले इंग्लिश बॉन्ड, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं अपन। देखिए इन दिस बॉन्ड, इन दिस बॉन्ड, इन दिस बॉन्ड वी यूज अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ, इन दिस बॉन्ड वी यूज अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, स्ट्रेचर एंड हेडर। पहले पॉइंट के अंदर यही लिखा हुआ है, स्ट्रेचर एंड हेडर। तो अल्टरनेट कोर्स काम में लिए जाते हैं स्ट्रेचर के और हेडर के, स्ट्रेचर के और हेडर के। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इट इज, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। जितने भी बॉन्ड हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो आपका ये इंग्लिश बॉन्ड ही होता है, याद रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जॉइंट का फॉर्मेशन सबसे कम होता है। इसके अंदर जॉइंट का फॉर्मेशन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि आप एक सिंगल कोर्स के अंदर केवल हेडर यूज कर रहे हो और एक सिंगल कोर्स के अंदर केवल स्ट्रेचर यूज कर रहे हो। ऐसा करने की वजह से आपके सिंगल कोर्स के अंदर जॉइंट बहुत कम बनते हैं। अब चूंकि जॉइंट बहुत कम बन रहे हैं तो इसको तोड़ना आसान है कि थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ सभी बॉन्ड के अंदर से ज्यादा निकलकर आती है। वहीं अगर बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड की, तो फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर एक सिंगल कोर्स में आपने अल्टरनेटिवली हेडर और स्ट्रेचर को काम में लिया है। और ऐसा एक कोर्स में कर रहे हो या सारे कोर्सों में कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अब चूंकि जॉइंट का फॉर्मेशन ज्यादा है, जितने ज्यादा जॉइंट उतना ही तोड़ना आसान, इसलिए फ्लेमिश बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंपैरिजन में इंग्लिश बॉन्ड से क्या निकल कर आता है? कम निकल कर। इस पॉइंट को लिखने के लिए हमने क्या किया? इसको कंपेयर किया है कितने बॉन्डों से? सारे बॉन्डों से जितने भी हैं। तो सभी बॉन्ड्स के अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन निकाल कर देता है? इंग्लिश बॉन्ड। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल भी है। ए टू जेड जितने पॉइंट में बताऊंगा ये सारे पेपरों के अंदर आ रखे हैं, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देता है ये, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसकी? किसकी? बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रुकना इसको मत लिखना, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस और नोट डाल के लिख दो चाहे से, या इंपॉर्टेंट बना देना कि डच बॉन्ड, इंपॉर्टेंट बना देना या नोट डाल के लिख दो, डच बॉन्ड मॉडिफिकेशन ओवर, डच बॉन्ड मॉडिफिकेशन ओवर इंग्लिश बॉन्ड, डच बॉन्ड मॉडिफिकेशन ओवर इंग्लिश बॉन्ड। कि जो डच बॉन्ड होता है ये मॉडिफिकेशन है किसके ऊपर? इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर। ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है पेपर के अंदर, डच बॉन्ड। अब ये कैसा होता है कैसा नहीं होता ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
बस अपने को याद रखना है ये पॉइंट कि डच बॉन्ड मोडिफिकेशन है किसके ऊपर, इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको बाद में लिखेंगे अपन। पहला ईच हेडर कोर्स कंसिस्ट, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस ईच हेडर कोर्स कंसिस्ट, ईच हेडर कोर्स कंसिस्ट क्विन क्लोजर टू अवॉइड वर्टिकल जॉइंट। ये तीनों पॉइंट उतार दीजिए वन बाय वन, ये वाला और ये वाला, फिर डिस्कस करते हैं। और इसके बारे में तो बात भी बताई थी कि हर्टिंग किससे करते हैं हम लोग, हेडर एंटायरली। तीनों पॉइंट उतार दो एक एक करके। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है आपसे यहां पे कि हर हेडर कोर्स के अंदर आपने क्या लगाया है, क्विन क्लोजर को लगाया है। ये क्यों लगाई गई है, ये क्विन क्लोजर क्यों लगाई गई है, जिससे वर्टिकल जॉइंट आपका सेम लाइन में आने से बच जाए। इसी के बारे में बताया था मैंने अभी जब परपेंड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने क्या बताया था, दो हेडर मिलकर किसके बराबर होती हैं, 18 सेंटीमीटर के बराबर होती हैं, और स्ट्रेचर कितना लंबा होता है, 19 सेंटीमीटर। तो दो हेडर और बीच में मोर्टार की लेयर, और मोर्टार की लेयर कितनी, 1 सेंटीमीटर की, इनकी लेंथ बराबर हो गई है क्या, 19 और 19। अगर दोनों हेडर स्ट्रेचर के साथ एडजॉइन कर जाएंगी तो ये वर्टिकल जॉइंट सेम लाइन के अंदर आ जाएगा क्या। इससे बचने के लिए क्या करें, जो हेडर कोर्स है, जो हेडर कोर्स है, इस हेडर कोर्स में हेडर के बीच में क्या लगा दें, एक ब्रिक का छोटा सा टुकड़ा, जिसको क्या कहा जाता है, क्विन क्लोजर। तो जैसी आपने क्विन क्लोजर को लगा दिया, वैसी हमारी ये वाली हेडर स्ट्रेचर से थोड़ा शिफ्ट हो जाती है आगे की तरफ, और ये जो वर्टिकल जॉइंट सेम लाइन में आ रहा था ये ब्रेक हो जाता है। ये पॉइंट हमसे ये कहना चाहता है, यानी क्विन क्लोजर को केवल और केवल कहां यूज करना है, हेडर कोर्स के अंदर। पर्पस क्या है, इस वर्टिकल जॉइंट को सेम लाइन में आने से रोकना है। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि हर्टिंग जो होती है वॉल की, वो किससे की जाती है, हेडर से। क्यों करते हैं हेडर से, हर्टिंग ऑफ वॉल को हेडर से क्यों किया जाता है, स्ट्रेचर से क्यों नहीं करते, बताइए, स्ट्रेचर से क्यों नहीं की जाती हर्टिंग, हेडर फेस से ही क्यों की जाती है। ये जो इंग्लिश बॉन्ड है, ये जो फ्लेमिश बॉन्ड है, इसको कितनी मोटाई की दीवार के लिए काम में लिया जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक, एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है हमारे पास, वो यहां पर भी आएगा, ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिक। इसका मतलब क्या हो गया, जो इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, कम से कम कितनी मोटाई की दीवार के लिए काम में लिया जाएगा, डेढ़, उसके बाद 3.5, उसके बाद 5.5, तो 5, 3, 1, ये क्या है हमारे पास, ऑड हैं, और मल्टीपल किसके हैं, ये हाफ के, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए काम में लेते हैं इन बॉन्ड्स को। इसीलिए जो हर्टिंग होती है वो किस फेस से की जाती है, हमेशा हेडर फेस से की जाती है। ये रही अंदर की बात, कोई पूछ ले तो बताकर आ जाना, पेपर में नहीं पूछेगा ये, पेपर के अंदर से तो वही 3-4 गिने चुने क्वेश्चन पूछता है यहां पर जो फिक्स है, पर अपने को पता होना चाहिए कि जो हर्टिंग होती है वो हेडर फेस से क्यों की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि इन बॉन्ड्स को बनाया जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या कह रहा है, ये कि द जॉइंट इन हेडर कोर्स थिनर देन जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स। तो ये बात तो अपने को याद रखनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है ये, ये क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो जॉइंट होते हैं हेडर कोर्स में, उनकी थिकनेस जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स से क्या होती है, कम रहती है, यानी थिनर होते हैं वो, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, ऑब्जर्वेशन बन गई है, ये बात समझ में आती है सभी के। फिर अगली ऑब्जर्वेशन क्या देखी हम लोगों ने, तो अगली ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ये देखी कि जो स्ट्रेचर कोर्स होता है, इस स्ट्रेचर कोर्स के अंदर मिनिमम लैप कितना होता है, 1/4 होता है। लैप का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग होती ब्रिक्स की, तो ये मिनिमम लैप कितना निकल कर आता है, 1/4 निकल कर आता है, और कहां निकल कर आता है, अलोंग द लेंथ निकल कर आता है, कभी ये विड्थ निकल कर नहीं आएगी, क्या निकल कर आएगी, हमेशा अलोंग दी लेंथ। ये अगली ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो सारे पॉइंट अपने को यहां पर क्लियर होते हैं, बढ़ सकते हैं आगे की तरफ। जरा खुद सोच के बताओ, इस इंग्लिश बॉन्ड के अंदर मोर्टार के रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी, क्यों भाई, अब बताओ भाई, मोर्टार के रिक्वायरमेंट ज्यादा या कम, कम, क्यों बताइए, कम क्यों होती है इसमें, वॉइड्स कम होते हैं, बेब कुफू वॉइड नहीं, जॉइंट ही जॉइंट, जॉइंट हर जगह वॉइड घुसा रखें,
कॉन्फिडेंस तो देखो सर वॉइड्स बहुत कम होते हैं। चलो इस बॉन्ड के अंदर जॉइंट हमारे कम होते हैं, यस और नो? इसमें जॉइंट कम होने की वजह से मोर्टार की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी इसके अंदर। देखो भाई अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टार, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टार इज लेस, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टार इज लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इज लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस जॉइंट्स, लेस जॉइंट्स, लेस जॉइंट्स। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज हाई, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज हाई, वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज हाई, वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज हाई इन सच बॉन्ड, वेस्टेज ऑफ मटीरियल इज हाई इन सच बॉन्ड, इन सच बॉन्ड ड्यू टू, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ, स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रिक्स, स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रिक्स, स्मॉल पीसेज ऑफ ब्रिक्स लाइक क्विन क्लोजर एंड थ्री फोर्थ बैट, लाइक क्विन क्लोजर एंड थ्री फोर्थ बैट, लाइक क्विन क्लोजर एंड थ्री फोर्थ ब्रिक, थ्री फोर्थ बैट, बैट बैट, थ्री फोर्थ बैट। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बैट बैट बी ए टी, थ्री फोर्थ बैट। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर, इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक, इंग्लिश बॉन्ड इज यूज फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल, ऑड मल्टीपल ओ डबल डी, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल, ठीक है, हाफ ब्रिक थिक वॉल, लाइक लाइक एक सही एक बटे दो, तीन सही एक बटे दो, पांच सही एक बटे दो एंड सो ऑन, बनाते चले जाओ। पांच सही एक बटे दो मोटाई की दीवार अगर आपने बना दी तो अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी उसको तोड़ नहीं पाएगी, याद रखना, इतनी थिकनेस हो जाती है कि वो मिसाइल भी कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? न्यूक्लियर बॉम्ब, एक झटके में फिनिश। बनाइए डायग्राम, इंग्लिश बॉन्ड का डायग्राम बनाइए, इंग्लिश बॉन्ड का डायग्राम बनाइए। दोनों डायग्राम बनाने, हंसो मत, दोनों डायग्राम बनाने। जो छोटा पोर्शन दिख रहा है ये क्या बताएगा आपको? जो लंबा पोर्शन दिख रहा है ये क्या बता रहा है आपको? शाबाश, बहुत ही अच्छे। पहले इसका डायग्राम बनाओ, इसके बाद फिर मैं बताता हूं कि क्विन क्लोजर कहां पर जोड़ा जाता है। ये हमारा डायग्राम नंबर तीन होगा। दो डायग्राम बनाओ, तीसरे डायग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि क्विन क्लोजर कहां पर जोड़ा जाता है। वैसे आपको आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर दिख रहा होगा, ये क्रॉस देख रहे हो, क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब क्या है? क्विन क्लोजर, ये जोड़ी हुई है आपने, क्विन क्लोजर। ये होता है आइसोमेट्रिक व्यू एंड दैट इज फेस व्यू, बिल्कुल जोड़ेंगे इसमें, दिखा नहीं रखा है, कहां दिखा रखा है बताओ? अच्छा ये पोर्शन क्या, हाँ दिखा रखा है भाई, क्विन क्लोजर दिखा रखी है, स्ट्रेचर के नीचे हेडर पोर्शन के अंदर क्विन क्लोजर दिखा रखी है। तो मैं डिनोट कर देता हूं इनको, इनके नाम लिख देता हूं। वैसे तो ये स्ट्रेचर फेस है, दिस इज स्ट्रेचर, ये ग्रे कैसे चल गया? अच्छा ग्रे के ऊपर टिक किया है ना, ग्रे चलेगा। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर फेस, स्ट्रेचर फेस, हेडर फेस, हेडर फेस, हेडर फेस, हेडर, हेडर, और ये हेडर, और ये क्विन क्लोजर, क्यू, ये क्विन क्लोजर। तो ऐसे बिल्कुल आप सारे कोर्सेज के अंदर नामों को उतार देना,
प्लस आइसोमेट्रिक व्यू भी बनाना है। क्यों बनाना है, सवाल आता है इसका, टॉप व्यू की साइड से। आइसोमेट्रिक व्यू का ये जो टॉप होता है ना, ये चार ऑप्शन देगा, ये कैसा दिखता है, ध्यान रखना इसको। ये आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर कई लोग टॉप व्यू नहीं बना रहे भाई, इसे टॉप व्यू को दिखाने के लिए ही मैंने ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाया था, इसको मत छोड़ो। इसमें काम का ही टॉप व्यू है, ये फेस व्यू तो आप जानते हो, ये तो पहले डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। जो काम का है वो क्या है इसके अंदर, ये टॉप व्यू, ये टॉप साइड का। इसे ही नहीं बना रहे हो तो यार मतलब क्या है इसका, क्यों टाइम दिया गया बनाने का, बना लीजिए इसको। खुद सोच के बताओ, इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, होगी किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, फ्लेमिश बॉन्ड के कंपैरिजन में इस बॉन्ड को बनाने के लिए स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही बात है, होगी। ये कर देना मैंने मिसाइलों वाली बात, अब लगा रहे हैं दिमाग की, रॉकेट साइंस लगा रहे हैं अपनी। अरे फ्लेमिश बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इंग्लिश बॉन्ड को बनाने के लिए स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट निकलकर आता है वो कहां निकलकर आता है, फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर निकलकर आता है। कारण क्या है, कारण क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, नीचे स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या होती है, जिस कोर्स को आपने हेडर से शुरू किया है वहां पर तो यूज करनी होती है क्विन क्लोजर, और जिस फेस को आपने शुरू किया है स्ट्रेचर से वहां यूज करना होता है 3/4 बैट। अब स्किल लेबर अगर नहीं हुई, ये फ्लेमिश बॉन्ड 7 जन्मों के अंदर नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक करोगे, और जैसी मिस्टेक हुई ये ईंटें आपकी क्या करती हैं, बाहर निकल जाती दीवार से, परफेक्ट पैटर्न नहीं आ पाता वॉल के अंदर, याद रखना इस बात को। तो लिखिए इसमें डायग्राम के नीचे, नो स्किल लेबर रिक्वायर इन इंग्लिश बॉन्ड। ये सारे क्वेश्चन आ रखे लाइन बाय लाइन पेपरों में, नो स्किल लेबर इज रिक्वायर, नो स्किल लेबर इज रिक्वायर, नो स्किल लेबर इज रिक्वायर इन इंग्लिश बॉन्ड, इन इंग्लिश बॉन्ड, इन इंग्लिश बॉन्ड इन कंपेरिजन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। ये जरूर लिखना पड़ेगा कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, इन कंपेरिजन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड, सो इन कंपेरिजन ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं पर ऑफ कर देते हैं, इससे आगे की बात हम लोग करेंगे कल। आज क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं, इससे अगली बात होगी हमारी कब, अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।